अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? क्या हाल अहवाल हैं? वेलकम टू मेहरा खान यूट्यूब चैनल। फर्स्टली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। हाँ जी, आज आपके लिए लेकर आए हैं खुशकल इश्कम एपिसोड 32 का पार्ट 1। अब से भाई आप लोगों को ये दिया जाएगा कि हम देंगे पार्ट्स में एपिसोड्स, और जब तक आप लोग टारगेट कंप्लीट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट भी नहीं आएगा। सही है, फिर सब चलते रहिएगा, क्यूरियोसिटी में रहिएगा, उफ़ क्या होने वाला है आगे, उफ़ क्या होगा। तो भाई जल्दी जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब बढ़ाएं, फॉलोवर्स बढ़ाएं, इतनी सी ख्वाहिश है बस हमारी। और हम हज़ारों की तादाद में आपको नहीं बोलते, हम तो जस्ट छोटे मोटे से आपको टारगेट्स दे देते हैं, यार 50 लाइक्स कर दो, 70 सब्सक्रिप्शंस कर दो। तो बस यही करना है आप लोगों ने, ज़्यादा कुछ नहीं करना। मुझे तो अब आप लोग जान ही गए होंगे, मैं हूँ आपकी वन एंड ओनली शाहाना खालिद। चलें जी, चलते हैं आज की एपिसोड की तरफ। खान हवेली में कई तलख अयाम के बाद बिलाखिर रोशन सुबह तुलू हुई थी। नाश्ते की मेज़ पर बैठे सब अफराद हल्की फुल्की बात के दौरान नाश्ता करके फारिग हो चुके थे। अलमीर और नेमल की नोकझोंक देखते आगा जान मुबहिम सा मुस्कुराते अखबार खोलकर पढ़ने लगे थे। सादी और बिनिश मामूल के मुताबिक खाने के बर्तन समेट कर किचन में ले जा रही थी, जबकि अम्माद ऑफिस के लिए निकलने वाले थे। इन सबसे बेनियाज ज़ैगम ब्राउन शलवार कमीज में स्याह शॉल कंधों पर फैलाए हुए चाय का आखिरी घूंट भरकर खाली कप मेज पर रखता उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा हमेशा की तरह संजीदा था। उस दिन के बाद किसी की इस मौजू पर बात नहीं हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबके रवैयों में नरमी आती गई। वो आगा जान से बात करना चाहता था, माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन बात करने का मौका ना मिल सका। ज़ैगम बैठो, एक मसला आ रहा है काम में। अम्माद जो काम के सिलसिले में परेशान थे उसे उठता देखकर पुकार बैठे। वो ठहरता, वापस बैठता, उनकी जानिब मुतवज्जा हुआ। यार वो दिलावर खान कंपनी के शेयर्स बेचना चाह रहा है, आधे से ज़्यादा शेयर होल्डर्स उससे इत्तफाक नहीं करते, लेकिन तुम जानते हो जब से वो कंपनी का हिस्सा बना है हमारे लिए मसाइल पैदा करता रहा है। मैं सोच रहा था इस कंपनी को ख़त्म करके हम नए सिरे से बिज़नेस शुरू करें। कुछ एतबार के लोग हैं, कई सालों का तजुर्बा है उनका, वो सरमाया लगाने को तैयार हैं। फैक्ट्रियों को तो आगा जान भी देख लेते हैं, कभी तुम भी चले जाते हो कभी मैं भी, तो उसकी परेशानी नहीं है। वो सोच सोच कर अल्फाज का चुनाव कर रहे थे। ज़ैगम गहरी संजीदगी से उनकी बात सुन रहा था, उसकी गहरी ब्राउन आंखों में एतमाद झलक रहा था। तो मैं ये सोच रहा था नया बिजनेस शुरू करते हैं, तुम भी ज्वाइन कर लो बिजनेस की, डिग्री है तुम्हारे पास। अलमीर भी तो कर रहा है, या फिर जॉइंट बिजनेस कर लेते हैं जैसे पहले करते थे, मगर अब ये बड़ी सतह पर होगा। वो कहते उसकी राय सुनने को खामोश हो गए। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ चाचू, अच्छा फैसला है,
ये मुझे जो बेहतर लग रहा है वो ये है कि अलमीर की कंपनी पर लोगों का एतमाद बढ़ने लगा है। अच्छी शोहरत बड़ी अहम बिज़नेस के लिए, तो हम उसकी दूसरी ब्रांच खोल लेते हैं। अलमीर से बात करता हूँ मैं, उसे कोई एतराज़ नहीं होगा, आप फिक्र मत करें। वो टांग पर टांग चढ़ाए बैठा, कुशादा सीने पर हाथ बांधे नरमी से गोया हुआ, अलपत्ता तीखे नकूश हमेशा की तरह। उनसे कुछ दूर तख्त पोश पर बैठी नेमल अलमीर को मुंह बनाए देख रही थी, जो ऑफिस के लिए तैयार था। कितने बदतमीज हो तुम, ले जाना शॉपिंग पर ऑफिस से, 5 बजे तक आ तो जाते हो। स्काई ब्लू कपड़े शॉर्ट में वाइट शॉल अच्छी तरह लपेटे, लंबे भूरे बालों की चोटी आगे को डाले, वो हेजल ग्रीन आंखों में खफकी लिए उसे देख रही थी। यार नेमल, देर हो जाएगी मुझे, मैं नहीं ले जा सकूँगा, आप भाई के साथ चली जाए ना। वो ब्लैक कोट के बटन बंद करता संजीदा मगर नर्म लहजे में बोला, अगर वो इस वक्त फ्री हो जाता तो यकीनन वो इससे अपनी बात मनवा कर दम लेती। नेमल ने उसके मशवरे पर ज़रा की ज़रा नज़र जैगम पर डाली, जो अपनी तमाम तर वजाहत के साथ बैठा अम्मा से महवे गुफ्तगु था। भाई आपसे मोहब्बत करते हैं, अलमीर के कहे अल्फाज जहन में गूंजे, तो वो फौरन उस पर से निगाह हटाते उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। वो हवेली के दालान में खड़ी जैगम का इंतज़ार कर रही थी, उसकी हेजल ग्रीन आंखें गेट पर जमी थी। दिल की अजीब कैफियत हो रही थी, दिमागो दिल में जंग छिड़ी हुई थी। ऐसा क्यों है कि आपके हज़ार तलख लहजों, संग दिली, रूह तक को ज़ख्मी कर देने वाले रवैयों के बावजूद मैं आपसे नफ़रत नहीं कर पाई। दिमाग उलझा रहा था उसे जब दिल से सदाई, क्योंकि जिससे मोहब्बत हो जाती है वो अपनी तमाम खूबियों खामियों समेत दिल को प्यारा हो जाता है। उसकी ज़बान जहर उगले या उसके अंदाज दिल पर तीर बरसाए, दिल से मोहब्बत का वो एहसास खुर्चा नहीं जा सकता, क्योंकि मोहब्बत ना हमारी मर्ज़ी से होती है ना उसे ख़त्म करना हमारे बस में है। ऐसे एहसासात में इज़्ज़त नफ्स को जो देखें, उन्होंने खाक मोहब्बत की, उन्होंने मोहब्बत खाक की मोहब्बत, और इज़्ज़त नफ्स साथ नहीं रह सकती। मोहब्बत में तो झुक जाने को जी चाहता है, और जब यही मोहब्बत इश्क के दर्जात तक जा पहुँचे तो उसका एक इशारा और सर तस्लीम खम। इश्क का भंवर ऐसा है जो निगलता है ना उगलता है, बस जकड़े रखता है। इश्क में ज़ात को लुटवा बैठना, खाली दामन रह जाना हर किसी के बस की बात नहीं, तभी तो इश्क हर दिल पर नहीं उतरता। सोचती सोचती वो बहुत दूर निकल आई थी। सोचों पर बंध हॉर्न की आवाज़ ने बांधा। वो खुले गेट के सामने ब्लैक ऑडी की ड्राइविंग सीट पर बैठा।
एक हाथ से सिगरेट के कश लेता, दूसरा हाथ स्टीयरिंग पर रख के गेट के अंदर खड़ी नेमल को देख रहा था, जो स्याह बड़ी सी चादर लिए स्याह खूबसूरत खुले घेर की शलवार कमीज में मलबूस स्याही खुस्सा पहने बिल्कुल सादा हुलिये में बैठी थी। आगे आकर बैठो, उसने पिछले दरवाजे की जानिब बढ़ता देखकर वो सिगरेट का गहरा कश लेकर धुआं छोड़ता संजीदगी से बोला। नेमल के कदम थमे, हिचकिचाती वो अगली सीट की जानिब का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। अंदर बैठते ही सिगरेट की बू उसके नथनों से टकराई तो हैरत से जैगम की हाथ की तरफ देखने लगी। चलें जी, ये था हमारा पार्ट वन। अब देखते हैं पार्ट टू में इससे आगे की एपिसोड। अब बैठ के सोचते रहें जी कि क्या होगा आगे, इनकी क्या गुफ्तगू होगी, क्या कॉन्वर्सेशन होगी। आज के पार्ट में सबसे बेस्ट डायलॉग हमें बताइएगा कि आपको कौन सा लगा, क्योंकि आज जो स्टोरी अनफोल्ड हो रही है वो सैगम, नेमल और अलमीर की है। चलिए जी, टिल नेक्स्ट पार्ट मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना सब लोग बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।